साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। यहाँ पे आपके लिए शानदार वीडियो लेके आ गए हैं दोस्तों, और इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। यहाँ पे यूपी में मेडिकल कॉलेज नर्स भर्ती के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत बढ़िया खुशखबरी आप लोगों के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि यूपी में दोबारा से वैकेंसी कब आएंगी। जैसा कि आपको पता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाल दी गई है। अब यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी तो नहीं आने वाली, लेकिन अलग से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए यहाँ पे भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से स्टार्ट हो सकती है। कब होने वाली है और कितने समय में वो आने वाली है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, योगी सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है निकाला गया है कि यूपी मेडिकल कॉलेज नर्स भर्ती, आप सबको पता है यूपी में हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज खोल भी दिए हैं। तो इन सभी कॉलेजों में नर्सों की भर्ती को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली जा रही हैं। ठीक है, आज की जो स्पेशल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि कब तक जो है वैकेंसी निकाली जाएंगी और कितने समय में और कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट, जो लेके आए आपके लिए हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन और नर्सिंग से रिगार्डिंग न्यू कंटेंट जो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है। चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में 100 दिन में होंगी 3000 नियुक्तियां। तो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए शानदार खुशखबरी है। मेडिकल कॉलेजों में स्पेशल बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में और 100 दिन के अंदर यहाँ पे भर्ती जो है कंप्लीट हो जाएंगी। कितनी भर्ती होंगी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 3000 भर्ती होंगी। दोस्तों अभी हमारे पास ये न्यूज़ कट आया था और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी यूपी वासियों के लिए, और इसमें जो है अलग स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन जो भी बाद में इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो ये आपको बता रहे हैं। यहाँ पे तैयारी चल रही है जो कि 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया गया है। सभी विभागों से 100 दिन के अंदर सभी भर्तियाँ कम्प्लीट कर दी जाएंगी। इसके बारे में हम आपको डिटेल में और बताते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लखनऊ के द्वारा यह न्यूज़पेपर निकाला गया था, उसमें जो है न्यूज़ थी है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फोकस रोजगार पर है। आप सबको पता है यूपी जो योगी सरकार है उसको बुरा बताते हैं तो किस लिए, क्योंकि वो बस जॉब नहीं निकाल रहा है, बस जॉब के ऊपर ही है और सभी काम अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे कार्यकाल है ये, ठीक है, दूसरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फोकस रोजगार पर है, तो इस वजह से वो रोज़गार को इम्प्रूव करेंगे और यहाँ पे जो जितने भी बेरोजगार हैं उन सभी के लिए यहाँ पे नौकरी देने की जो है कोशिश कर रहे हैं, सभी को नौकरी मिल जाए। विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर रोज़गार मुहैया कराने की पहल करने जा रही है। अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही 60,000 पदों के सृजन के साथ ही यहाँ पे जल्दी 3000 से अधिक नियुक्ति करने वाली की जो है तैयारियाँ हैं और जल्दी ये आपके सामने देखने को मिल भी जाएंगी। ठीक है, विभाग ने इसे अपने 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया, यानी कि 100 दिन के अंदर ही इसको कंप्लीट करने के जो है बताया है। सभी विभागों से 100 दिन के अंदर ही 6 महीने, 1 साल और 5 साल का एजेंडा तय करने को कहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी एजेंडा तय कर लिया है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज फिलहाल 35 हैं, इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया दिया, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे तो यहाँ पे जो है राज्य सरकार प्रति मेडिकल कॉलेज 1394 पदों का मानक तय कर चुकी है। तो दोस्तों ये आपके लिए शानदार खुशखबरी है, जल्दी आने वाली है और आप अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखें। आप सबको पता है यहाँ पे जो है दोनों चीज़ों में यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा सकती है, मेरिट बेस पे तो मुश्किल ही है, लेकिन एग्ज़ाम बेस पे आपके लिए जो है वैकेंसी निकाली जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखें और शानदार भर्ती होने वाली है आप लोगों के लिए, यूपी वासियों के लिए स्पेशल। आप सबको पता है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाल दी गई है, अब नहीं आने वाली, मेल की भी निकाल दी गई है। मेल कैंडिडेट बोल रहे थे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की, तो उनका एग्ज़ाम होने वाला है अभी, अभी ये जो भर्ती आएंगी इसके बारे में हम जल्दी आपको अपडेट बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऑल पे, ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आपको बता देंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी कोई भी अपडेट होगा नर्सिंग से रिगार्डिंग वो सबसे पहले आपको बताया जाएगा, चाहे वो किसी भी वैकेंसी से रिगार्डिंग हो या फिर कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।